हमें आ रहे हैं रेगुलर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रेगुलर रहता है कि सॉलिड इंट्रोडक्शन के बाद मेरे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो प्रमुख रीजन ये है कि अब तक बच्चा था ब्रेस्ट मिल्क, माँ के दूध या फॉर्मूला मिल्क के ऊपर निर्भर। अभी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जीर्णांग को हमने दूसरी तरह के आहार दे दिया है और उसे एडजस्ट या अडेप्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। और दूसरा ये है कि बच्चा अभी एक जगह में सो तो नहीं रहा है, बहुत एक्टिव हो रहा है, उसकी मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों भी उपयुक्त हो रही है अभी। तो दोनों जगह पे अभी क्रॉलिंग कर रहा है बच्चा, सामने जा रहा है, तो एनर्जी का उपयोग हुआ। तो ज़्यादा जब एनर्जी का उपयोग होता है तो वेट गेन में थोड़ा डिफरेंस दिखता ही है। और जैसे पहले 6 महीने में बच्चे ने वेट गेन कर लिया, अभी थोड़ा उतना स्पीड में नहीं होगा। और तीसरा मेजर रीज़न ये है कि सॉलिड इंट्रोड्यूस करते ही हम सोचते हैं कि माँ का दूध बंद कर सकते हैं या फॉर्मूला मिल्क बंद कर सकते हैं। नहीं, 1 साल की उम्र तक बच्चे का मेन खाना वही रहता है, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, माँ का दूध। और ये सारे खाने होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड। कमर्शियल बॉक्सेस आप जो भी देखेंगे शिशु आहार के, वहाँ पे लिखा गया होता है माँ का दूध ही सबसे बेहतर होता है क्योंकि वही मेन फूड है 1 साल तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सेव और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।